तो हम लोगों ने जो बातें अभी क्वेश्चंस के थ्रू समझी हैं पिछले लेक्चर में, उसका कोई लॉजिकल बेस होगा, उसको प्रूफ किया जाना चाहिए। और वो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम भी होती है, नॉर्मली पूछ भी लेते हैं। तो एक थ्योरम के तौर पर हम लोग इसको अब देखते हैं। लेट एक्स टाउ वन एंड वाई टाउ टू बी टोपोलॉजी ऑफ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली द इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन इट्स तो अगर आपको वहां जो भी टाउ टू ओपन मिलता है उसकी प्री इमेज भी ओपन आ रही है इधर टाउ वन ओपन, तो बस हो गया, इतना पर्याप्त है फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए। और कंटिन्यूस है तो ऐसा हो रहा, और ऐसा हो रहा है तो कंटिन्यूस होगा, ये कहा गया है। तो मैं मान लेता हूं पहले कि एफ कंटिन्यूस है, और तो मैं राइट साइड में कोई ओपन बॉल ले लेता, ओपन सेट ले लेता हूं, लेट्स एच बी टाउ टू ओपन सेट तो फिर करना क्या हुआ? कोई अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो तो उसको ये बता दें कि भाई जो एफ इनवर्स ऑफ एच आएगा ना वो इज टाउ वन ओपन, क्योंकि कंटिन्यूस तो है ही ओपन सेट। ठीक, मैं ये सब चीजें भी हाल में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। वैसे अगर ऐसा है कि जो एच आपने राइट साइड लिया है ओपन सेट, उसकी जो प्री इमेज है अगर वो फाई आ गई, तो फाई तो टाउ ओपन सेट हर टोपोलॉजी में हुआ, देन फाई इज टाउ वन ओपन सेट, तो ऑब्वियस हो गया मेरे ख्याल से। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जो मेन काम है वो ये है दूसरा वाला, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एच इज नॉट फाई, तो फिर इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही, फिर नॉन एम्प्टी है तो एक्स मान लेते हैं एफ इनवर्स एच है, तो फिर एफ एक्स कहाँ होगा एच में? मैंने ये कहा होगा आपसे कि एफ ऑफ एफ इनवर्स हमेशा एक्स होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। एफ इनवर्स एफ कह नहीं सकते, मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है। आप लोग चाहें तो मेरी डिफरेंशियल कैलकुलस वाली प्लेलिस्ट में मैंने ये दिखाया है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की किस तरह से राउंडेबली इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। ये दो क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, क्रॉस इनवर्स क्रॉस एक्स की भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, लेकिन ये भी दिखाया मैंने कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर है तो ये गारंटी है एक्स ही आएगा, क्रॉस ऑफ क्रॉस इनवर्स एक्स है तो ये भी गारंटी है कि केवल एक्स आएगा। उम्मीद है आप लोग इन जनरल समझ पा रहे होंगे कि एफ फंक्शन और उसका इनवर्स तो आइडेंटिटी ही रहेगा,
लेकिन एफ इनवर्स एफ का कोई भरोसा नहीं, वो एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। तो अभी मैंने चेक किया है, सबसे नीचे लाइन पे देखिए, अब इधर लेफ्ट में एफ ऑपरेट कर दिया तो एफ एक्स ऑफ एफ इनवर्स एफ एफ इनवर्स हो जाएगा, वो केवल अंदर वाला मटेरियल ही रहेगा। समझ में आया आपको? यस सर, यस सर। तो एफ एक्स एच में है, और एच कहाँ है? ये ऊपर लिखा हुआ है, तो एच में है, तो फिर सो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी देर एग्जिस्ट, कोई एक ओपन सेट मिलेगा डोमेन में, देर एग्जिस्ट सम टाउ वन ओपन, ओपन सेट उसका नाम मैं जी कर देता हूँ, एच टी वजह से पॉइंट एच पे है तो जी एक्स मान लो, सच दैट एक्स उसी जी एक्स में है, तब इसका नाम, और जो इसकी इमेज है एफ ऑफ जी एक्स वो इसके अंदर होगी एच के अंदर। ये समझ में आया? यही डेफिनेशन लिखाई थी मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को। एप्सिलॉन डेल्टा भी यही है कि राइट साइड में कोई भी ओपन बॉल लें तो लेफ्ट साइड में एच के चारों ओर एक छोटी बॉल लीजिए और जिसकी इमेज इसके अंदर ही होगी, तो आप इससे जी एक्स नाम दे रहे, तो एफ ऑफ जी एक्स एच के अंदर है और जी एक्स एच को कंटेन कर रहा है। बच्चों समझ में आए? तो यस सर, यस। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स जो है वो जी एक्स में है और जी एक्स इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एच प्री इमेज, ये आपके पास है। तो एक बात देखिए आप यहां से, आपने ये एक एलिमेंट लिया था एक्स एफ इनवर्स एच में, आपका उद्देश्य था कि एफ इनवर्स एच को ओपन सेट घोषित कर दें टाउ वन के हिसाब से, टाउ वन ओपन। किसी को ओपन सेट दिखाना हो तो क्या तरीका होना चाहिए, क्या करना क्या होता है? कोई भी सेट ओपन सेट दिखाना होता तो करना क्या होता है बच्चों? सर उसके हर एक नेबरहुड, पॉइंट का नेबरहुड निकालना है, नेबरहुड एग्जिस्ट हाँ करेगा। ठीक, और वो अंदर ही होगा। यस सर। तो एक एक्स्ट्रा नेबरहुड है जी एक्स और वो एफ इनवर्स एस के अंदर ही है। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से एफ इनवर्स एच ओपन हो गया या नहीं, क्योंकि बीच में ओपन सेट जी एच से आ गया है, तो यहां से आप कह सकते हैं सो एफ इनवर्स एच जो एच है उसकी इमेज इज टाउ वन ओपन, तो वन साइडेड प्रूफ हो गया। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो राइट साइड में कोई भी आप एच ओपन सेट ले लीजिए उसकी प्री इमेज ओपन हो, ये ठीक है। यस सर। अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स तो और आसान हुआ फिर, हम मान लेते हैं कन्वर्सली लेट एफ इनवर्स एच बी टाउ वन ओपन फॉर एवरी एच दिस इज टाउ टू ओपन सेट।
तो कोई भी एच के लिए जो टाउ टू ओपन सेट है, एफ इनवर्स एस टाउ वन ओपन है, करना क्या हुआ, साबित क्या करना है? एफ इज कॉन्टिन्यूस. एफ इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, एट एट पॉइंट पे दिखा देते हैं, मान लो एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक हो गया। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है। अब अभी ऐसे डोमेन का पॉइंट है तो कोई ना कोई इमेज तो होगी होगी, सपोज ये एफ एक्स है इधर। अब मान लो इसका जो कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट है, उसी का नाम एच है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट एच बी एनी ओपन सेट इन वाई, ओपन सेट इन वाई सच दैट एफ एक्स किसके अंदर हो, एच के अंदर। तो फिर एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एफ इनवर्स एच में, ये हो गया। आपने क्लैरिफाई किया कोई भी जब ओपन लेंगे तो इधर ओपन ही मिलेगा, आपने ये अभी कहा है बाय हाइपोथेसिस। एफ इनवर्स एच इज ओपन इन एच, कुछ नाम दे दो इसको, इफ जी इक्वल टू एफ इनवर्स एच मान लेते हैं, तो फिर आपके पास क्या आ गया, इसका मतलब सर, एफ ऑफ जी. जी इज एन ओपन सेट इन एट्स, इन एट्स कंटेनिंग स्मॉल एट्स यार, सच दैट एफ ऑफ जी का मतलब, एफ ऑफ जी का मतलब एफ इनवर्स एच, और एफ ऑफ एफ इनवर्स अभी बात हुई थी आइडेंटिटी, तो ये चेस्टा सबसेट होगा, एच से अंदर ही आएगा ना एफ ऑफ जी। यस सर. हाँ, तो अगर ये आ गया एफ ऑफ एफ इनवर्स एच हो गया, तो फिर एफ इज कंटिन्यूस। तो बच्चों अब सिंपल जो हम यूज कर रहे थे उसको हमने एक थ्योरिटिकल बेस दिया, जबकि ये थ्योरम ऑलरेडी पहले भी हुई है कहीं। तो कोई भी ओपन सेट लें और अगर उसकी प्री इमेज ओपन आ रही है तो फिर ये कंटिन्यूस है। जो काम हम ओपन के लिए कर रहे हैं वो काम हम क्लोज सेट के लिए भी कर सकते थे, मतलब थ्योरम ऐसे भी बनाई जा सकती है, दोनों में से कोई भी थ्योरम कहें, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मतलब पिछला स्टेटमेंट ही देखिएगा, एक्स और वाई आपके पास दो सेट हैं, दोनों में एक टोपोलॉजिकल स्पेस आपने डिफाइन कर दिया, और एफ जो है एक्स से वाई में एक फंक्शन है। यहाँ कोई भी क्लोज सेट लें, उसकी जो प्री इमेज है एफ इनवर्स ऑफ दैट क्लोज सेट इज ओपन इन एक्स से आ जाएगा, जैसे ओपन था तो प्री इमेज भी ओपन, क्लोज था तो प्री इमेज भी क्लोज। इसे आप लोग खुद करके मुझे भेजेंगे, ये आप थोड़ा भी सोचेंगे तो हो जाएगा, नहीं सोच पाए तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको टोपोलॉजी की कंटिन्यूटी से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी हो पाई होगी, यहां तक कोई डाउट है? ठीक नो सर, क्लियर. तो बेटा इसको इतना ही करता हूं मैं आज।